हे गाइस, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी लेके आई हूं, कैसे आप अपने स्किन को क्रिस्टल ग्लोई बना सकते हैं, वो भी साथ साथ जो आपके फेस में स्पॉट्स हैं, दाग हैं, एक्ने के स्पॉट्स हैं, पिंपल के स्पॉट्स हैं, आपके स्किन में इवन टोन नहीं है, मतलब कहीं से आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और कहीं से आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी मास्क शेयर करने जा रही हूँ, कैसे आप अपने स्किन को इवन टोन कर सकते हो, क्रिस्टल ग्लोई अपने स्किन को बना सकते हो और साथ ही साथ ये आपके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको लाइटन करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं लगाते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। आपको इजीली मिल जाएगी मुल्तानी मिट्टी। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें हम, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच हमें आलू का रस चाहिए। आप आलू को ग्रेट कर लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। पेस्ट ठीक हो रहा है तो थोड़ा सा लेमन डाल लें और अच्छा सा एक पेस्ट बना लें। ये रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं आप। जब ये अच्छे से मिल गया तो फेस में लगाने के लिए तैयार है। फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लें और पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लें। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं अपने फिंगर की सहायता से अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए, मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम कैल्शियम पाया जाता है, इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होता है। ये जो हमारे स्किन में आने वाली प्रॉब्लम होती है उसको पहले ही कंट्रोल कर लेता है और पिम्पल्स को भी दूर करता है। आलू का रस विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम से भरपूर होता है, जो स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है। और इसके बाद हमने इसमें शहद डाला था। शहद में कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो पिंपल्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे स्किन को कंडीशनर का काम भी करता है। हल्दी आपके सनटैन को रिमूव करती है, फेस के दाग धब्बों को दूर करती है, उसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। और जितनी भी चीज़ें डाली गई थी वो सारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करती है और आपके स्किन को ग्लोई बनाती है। तो मेरे बाल मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, तो पूरी तरह से अपने फेस में अप्लाई कीजिए। नेक को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, फेस तो आपका फेयर हो जाएगा बट नेक आपका काला रह जाएगा। तो फेस में अप्लाई करने के बाद इसे आपको कम से कम 15 मिनट्स आपको ऐसे ही छोड़ देना है कि जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो 15 मिनट बाद मेरा पैक अच्छे से ड्राई हो चुका है, थोड़ा रह चुका है बट आपको पूरा ड्राई नहीं करना है फेस को। तो ड्राई करने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और फेस को वाइप आउट कर लें। तो आप फेस में निखार देख सकते हैं। तो फेस को क्लीन करने के बाद आप मेरे फेस में रिजल्ट देख सकते हो, बहुत ही विजिबल रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको इसको हफ्ते में 2 या 3 बार ट्राई करना है। डेफिनेटली आप 30 डेज इसे ट्राई करोगे, 30 से 15 डेज भी आप इस पैक को ट्राई करोगे और डेफिनेटली मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि इसके रिजल्ट आपको कैसे मिले। दोस्तों, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन सब्सक्राइबर का नाम मैं अपने चैनल में लूंगी उनका नाम है पूनम रावत। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम मैं अपने चैनल में लूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।